झारखंड की राजनीति में आज बड़ा परिवर्तन हुआ है। बरसों तक कांग्रेस का साथ निभाने वाले पूर्व मंत्री और बरही से विधायक मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। इन्होंने अभी बीजेपी का दामन थामा है और ऐसे में इनसे ही जानते हैं कि आखिर सर ये जो नया परिवर्तन है ये किस रूप में जनता ले और क्या सोचे जनता। देखिए, आज देश में, पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद और विकास। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास भी कर रहा है और राष्ट्रवाद के अर्थ को सफल बना रहा है। दूसरी बात है कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। हम लोगों ने विगत 5 वर्षों से अपने विधायी काल के दौरान यह देखा कि रघुवर दास जी जन आकांक्षा के प्रतीक के रूप में आम जन के लिए बहुत सारे काम किए, विकास के काम किए, सर्वमुखी विकास हुआ पूरे झारखंड का। और निश्चित रूप से हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों की प्राथमिकता है कि हम जहाँ जो लोग हमको वोट देते हैं उनका विकास कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो, उनके समस्याओं का समाधान कैसे हो। इन सारे विषयों पर एक ही व्यक्ति का नाम उभर के आता है, रघुवर दास जी का, और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में आज हम लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस को आखिर क्यों छोड़ा आप लोगों ने? कांग्रेस को क्यों आखिर इतना लंबा साथ, इतना लंबा विश्वास, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप अब भाजपा में? देखिए, हम लोगों ने विगत 30 वर्षों से हम कांग्रेस की राजनीति में रहे, लेकिन यह कांग्रेस पहली वाली कांग्रेस नहीं है। और मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इतना कह सकता हूँ कि आज झारखंड के जो कांग्रेस पार्टी है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो डिक्टेटरशिप के कब्जे में है और जन आकांक्षा से कोई मतलब नहीं है, समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का सदस्यता ग्रहण की। अब क्या परिवर्तन दिखेगा बरही की जनता, क्या परिवर्तन दिखेगी बरही की जनता, क्या देख पाएगी अब राजनीति दृष्टिकोण से? देखिए, मैं 1995 से लेकर 2009 तक 3 टर्म विधायक रहा और उसके बाद फिर मैं 2014 से लेकर 2019 तक विधायक रहा। तो प्रथम जो विधायकी के प्रथम कालखंड में जो विकास के कार्य हुए और उसकी मैं तुलना जब 2014 से 19 की करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि 2014 से 19 तक का जो विधायकी कार्यकाल में जो विकास होने चाहिए, जो समस्याओं का समाधान होना चाहिए, पहले से बेहतर ढंग से हुआ। और जब बेहतर ढंग से हुआ तो निश्चित रूप से हमारे उत्तरदायित्व तो जो वोटर्स हैं, हमारे जो बरही विधानसभा क्षेत्र वोटर्स हैं, उनके प्रति है और हमको पूरा विश्वास है कि उनकी समस्याओं का समाधान हम रघुवर दास जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से कर सकेंगे। ये थे मनोज यादव जो बता रहे थे कि बरही की राजनीति में अब परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन दूरगामी दिखाई देगा। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब नई राजनीति में नई पारी मनोज यादव खेलेंगे, लेकिन पारी, असली जो पारी खेलनी है वो झारखंड विधानसभा चुनाव में होगा और बरही की जनता अब क्या फैसला देती है इसके लिए विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना होगा। सहयोगी उपेंद्र के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।